हाथरस के सिकंदरा राव हादसे में पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। घटना के मुख्य आरोपी 1 लाख के इनामी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य 5 मुख्य सहयोगी और सेवादारों सहित सभी फरार लोगों की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। NCR सहित कई राज्यों तक टीमें दौड़ लगा रही हैं। इस ऑपरेशन में रेंज के चारों जिलों की SOG के अलावा STF भी जुट गई है। आधा दर्जन टीमें अलग अलग जिम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। वहीं फैक्ट टीम मामले में शनिवार को न्यायालय में गैर जमानती वारंट आवेदन करने की तैयारी कर रही है। सिकंदरा राव में 2 जुलाई को हुए इस हादसे के बाद दर्ज मुकदमे में मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को मुख्य आयोजक के तौर पर नामजद आरोपी बनाया गया है। बाकी उसके अन्य साथी आरोपी भी हैं। मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम शासन स्तर से घोषित किया गया है। मुकदमे में 2 तरह से ग्रुपों में बांटकर टीमों को काम पर लगाया गया है। एक ग्रुप विवेचना का काम कर रहा है, जिसमें विवेचक टीम, साक्ष्य संकलन वाली टीम और अन्य लिखा पढ़ी के साथ साथ अदालत की औपचारिकताएं करने वाली टीमें शामिल हैं, तो दूसरे ग्रुप में चारों जिलों के SOG, STF की कुल आधा दर्जन टीमें गिरफ्तारी अभियान में लगी हुई हैं। अब तक 6 लोग जेल जा चुके हैं। मुकदमे में आयोजक मंडल के 78 लोग और अन्य 25 लोगों को मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों की तलाश का काम चल रहा है। वहीं देव प्रकाश के 7 मुख्य सहयोगियों के तौर पर 5 और नाम प्रकाश में आए हैं, जिनके नंबरों से बाबा को घटना के ठीक बाद कॉल किए गए थे। वहीं गिरफ्तारी टीमों ने उन लोगों की तलाश पर फोकस किया है जो घटनास्थल पर मौजूद थे। उनमें से कुछ लोग फरार हैं, जिनमें बाबा को कॉल किए थे। इनके रिश्तेदार, करीबियों और परिचितों को पहले निशाने पर लिया जा रहा है। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, उनके संभावित ठिकाने जानने का प्रयास हो रहा है और फिर और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी पुलिस लगातार कर रही है। वहीं 200 से अधिक मोबाइल नंबर सर्विलांस पर है। टीमों को अलग अलग दिशाओं में रवाना किया गया है। 2 टीम अलीगढ़ आगरा मंडल जिलों में भ्रमण कर रही है, तो कई और दूसरी टीम तलाश कर रही है। एक टीम NCR में खोज में जुटी हुई है। वहीं इस मामले में हालांकि बाबा को लेकर अभी तक किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया है, ना तो उन्हें मुकदमे के नाम शामिल किया गया है, ना ही पूछताछ और या फिर जांच में बाबा का नाम सामने आया है। मगर STF बाबा को लेकर हर तथ्य पर काम कर रही है और इसी क्रम में STF आगरा यूनिट में गुरुवार को बाबा के मैनपुरी ठिकाने पहुंचकर जांच पड़ताल की। वहां से 2 गाड़ियों भी जब्त की गई है, मगर इसकी किसी भी प्रकार से पुष्टि नहीं की गई है। COCD की अगुवाई वाली विवेचना टीम फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य संकलन का काम कर रही है। साथ ही ग्रामीणों, घायलों, चश्मदीदों की गवाही भी ली जा रही है। अब तक 30 से ज्यादा लोगों की गवाही की गई है, जो तथ्य गिरफ्तार 6 आरोपियों ने स्वीकारे हैं, उन्हीं में ही जांच का हिस्सा बनाया जा रहा है। ये सभी तथ्य मुकदमे के आधार बन रहे हैं। उसी दिशा में जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें सबसे बड़ा फोकस साजिश, जानबूझकर हरकत करना आदि सवालों पर काम हो रहा है। वहीं पुलिस की टीमों का गिरफ्तारी और विवेचना का काम जारी है। गिरफ्तारी के प्रयास में टीमें कई राज्यों में दौड़ लगा रही हैं। वहीं विवेचक टीम साक्ष्य जुटा रही है। वहीं IG रेंज शलभ माथुर का ये कहना है कि पुलिस की टीमों का गिरफ्तारी और विवेचना का काम लगातार जारी है। कई टीमें राज्यों में दौड़ लगा रही हैं और विवेचक टीम साक्ष्य जुटा रही है। वह जल्द ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे।